माफ करने की हो रही है मांग। स्कूल के तरफ से कहा जा रहा है फीस दो रिजल्ट लो। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में स्कूल फीस को लेकर लगभग कई स्कूलों में बच्चों के पेरेंट्स फीस जमा करने का विरोध कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर स्कूलों के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि फीस नहीं जमा करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ पेरेंट्स जैसे तैसे करके फीस तो जमा कर रहे हैं, मगर कुछ स्कूलों ने भी फीस जमा करने में रियायत दी है, मगर कुछ पेरेंट्स आज भी मजबूर हैं जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। ऐसे ही मुंब्रा कौसा में कई स्कूल हैं जो फीस जमा किए बिना रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसी तरह मुंब्रा इंग्लिश स्कूल में भी आज कुछ बच्चों के पेरेंट्स फीस को लेकर, यानी कि जो लॉकडाउन के दरमियान 3 महीने की फीस है उसे माफ करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि वो इतने परेशान हैं कि इंस्टॉलमेंट में भी फीस जमा नहीं कर पाएंगे। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई पर भी कहा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहाँ से वाईफाई इंटरनेट का रिचार्ज करें जब फीस जमा करने को ही पैसे नहीं हैं। मुंब्रा इंग्लिश स्कूल में कई बच्चों के पेरेंट्स इकट्ठा होकर रिजल्ट मांग रहे थे और स्कूल के तरफ से उन्हें कहा जा रहा था कि फीस जमा करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। बच्चों के माता पिता इसलिए और भी ज़्यादा परेशान हैं कि स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा हो रहे हैं जहां प्रूफ के तौर पर रिजल्ट लगेगा और फीस जमा किए बिना स्कूल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। सभी अभिभावकों का ये भी कहना है कि 3 महीने की पढ़ाई नहीं हुई है तो फीस किस चीज़ की दें। इस स्कूल में आए पेरेंट्स और नगर सेवक जफर नुमानी ने क्या कुछ कहा है सुनिए। क्या है आप लोगों का मामला, जो स्कूल के तरफ से फीस मांगा जा रहा है, कितने महीने की फीस आपसे मांगा जा रहा है और क्या आप लोगों को जो रिजल्ट है वो दिए गए स्कूल की तरफ से कि नहीं दिए गए? देखो ये मेरे बच्ची का फीस कार्ड है, ये फरवरी तक फीस भरी है, ठीक है। मार्च अप्रैल में, मार्च की 20 तारीख से लॉकडाउन है तो मार्च अप्रैल और मई ये तो स्कूल बंद है। ये स्कूल बोल रहे हैं कि हमको अगस्त तक फीस भरनी है, अगस्त की फीस भरेंगे अगस्त तक तो हमको रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्या हिसाब हुआ बता? किसने कहा ये बात आपसे? अंदर ऑफिस में, ऑफिस से कहा स्कूल के? हाँ, और मेरी 2 बेटियां हैं, अभी एक साथ 2 का कैसा भरेंगे, लॉकडाउन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हस्बैंड घर पर ही है, फिर हम 2 दिन चूल्हा जला रहे हैं, 2 दिन नहीं चला रहे हैं। और इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहते हैं 3 महीने का फीस या और किस तरह? नहीं सर, हमको 3 महीने की फीस माफ चाहिए। हम लोग जबरदस्ती तो ये कर रहे नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, इससे रिजल्ट भी नहीं शो कर रहे, पढ़ाई भी ऑनलाइन पे हो रही है, वाईफाई का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, हम ईएमआई का फोन कहाँ से लेकर आएंगे 10,000-15,000, ये बात आ रही है प्लीज। यानी ऑनलाइन जो स्कूल की जा रही है तो इसमें भी काफी तकलीफ है। बराबर अल्फाबेट जो है कर्सिव हैंडराइटिंग में हमको ही सिखाना पड़ रहा है, ये बात आ रही है, पोएम भी हम ही सिखा रहे हैं, और समझो 12 से 12:30 बजे तक का ही है बस पढ़ाई। क्या कहेंगे? मोबाइल है और 2-3 बच्चे पढ़ने वाले, जैसा एक मोबाइल है 2-3 बच्चे पढ़ने वाले तो कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो एक एक मोबाइल कहाँ से लाने का खरीद के, जो है पैसे वाले उन लोग लेके पढ़ा रहे अपने बच्चों को, तो हम लोग कहाँ से पढ़ाएंगे। टाइमिंग सबका एक ही है, ऐसा भी 1-2 घंटे का आगे पीछे भी कर सकते तो बच्चे पढ़ा सकते, तो अभी नहीं पढ़ा सकते हम लोग, एक ही मोबाइल है, एक ही अभी भी लेक्चर मिस होता ही है बच्चों को, वाईफाई लगाओ घर में कनेक्शन भी नहीं पकड़ता तो क्या करे, जिसके घर में नेटवर्क नहीं पकड़ता उन लोग कैसा पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे। फीस को लेकर क्या कह रहे हैं आपका? तो फीस को लेकर हम लोग को 3 महीने का फीस माफ चाहिए, हम लोग नहीं भर सकते और रिजल्ट भी देंगे नहीं जब तक फीस नहीं भरेंगे। हम लोग पढ़ाई बराबर है ही नहीं, अब कुछ समझ में आता भी नहीं है पढ़ाई ऑनलाइन में भी, तो हम लोग को 3 महीने का फीस माफ चाहिए। सर मेरा 4 बच्चे हैं, अभी मुंब्रा इंग्लिश में आई हूँ, तो बोल रहे हैं कि इसका पैसा भरी है तो रिजल्ट देंगे। कितना फीस आपका कितना बार? 1 बच्चे का 600 रुपया है, अभी जितना दिन तक बनता उतना महीने का भरना पड़ेगा। 3 महीने का? हाँ, 3 महीने का नहीं है, अभी जो मास से जो बनता अभी तक का चालू है, अभी तक का भी भर नहीं। हाँ, ये मैं लास्ट महीने तक का भरने का, अभी भर नहीं सकती, फिर अगर वो फीस कम करेंगे तो हम लोग भर देंगे। हर ऑनलाइन पढ़ाई है उसमें पढ़ाई भी नहीं,
नहीं हो रही है बराबर, नहीं पे कर सकते। सारे आदमी जो कमाने वाले जब वो घर में बैठे हैं तो कहाँ से देंगे? ये 3 महीने में लोगों के घर में खाना नहीं था तो ये फीस कहाँ से मांग रही है? क्या ये आईटी काम कर रहे हैं यहाँ पे? इनको पूछिए कि इनके वर्कर्स नहीं यहाँ पे? जब स्कूल ही पूरी लॉक थी तो कहाँ से हम फीस देंगे आप बताइए? कहाँ जाएंगे नहीं देना चाहिए। आपकी मांग क्या है? अब्दुल्ला पटेल की फीस है, आप जाके देखिए, उन्होंने छोड़ दिए गरीबों को, तो ये इनको तो फर्ज बनता है 600 रुपया है, कहाँ से देंगे? यानी माफ फीस हम नहीं पे ही नहीं कर सकते। हमारे सब पेरेंट्स का यही मानना है कि 3 महीने की ये जो स्टार्टिंग की फीस है माफ करो, माफ करो। तो रिजल्ट को लेकर आप लोगों का अभी रिजल्ट मिला है? अगस्त तक फीस भरो तो रिजल्ट मिलेगा। आज 9th वालों का रिजल्ट है, जमा करेंगे तो ये काम कर रही थी बैठ के जो फीस मांग रही है, जो काम कर रहे वो फीस मांगे ना। जब घर के आदमी घर में बैठे हुए तो फीस क्या हिसाब से मांग रही है? जफर भाई क्या कहेंगे आप जिस तरह से मुंबई स्कूल का यह मामला सामने आया है फीस को लेकर, कि तमाम जो यहाँ पर है पेरेंट्स, इन लोगों का कहना है कि ये लॉकडाउन के दरमियान जो है स्कूल बंद थे तो इनकी उस समय का जो है फीस माफ़ किया जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि शहर के जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद लोगों के शहर के हालात खराब हुए, हालात खराब होने के बाद लोगों के यहाँ खाने को नहीं, पीने को नहीं, दवा के लिए नहीं, लोग हर तरीके से परेशान रहे, लोगों का कारोबार चला गया। और मैं स्कूल वालों से बार बार हम लोगों ने डिमांड की, बहुत अदर लेवल पे हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं जितेंद्र अवार्ड साहब, उन्होंने भी जाकर के एजुकेशन मिनिस्टर से बात की, जो वर्षा गायकवाड़ मैडम है, और बहुत सारे लोगों ने बात की कि स्कूल की जो 3 महीने की लॉकडाउन का जो टाइमिंग था उसकी फीस को माफ़ किया जाए, क्योंकि शहर के हालात बहुत ख़राब हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं, और स्कूल वालों की दादागिरी है, स्कूल वालों की ज्यादती है, स्कूल वाले दादागिरी कर रहे हैं। जब आपने इनको एजुकेशन दिया ही नहीं तो आप फीस क्यों मांग रहे हैं? अरे भाई आप ठीक है, आप बोलते हैं आपको गवर्नमेंट का जीआर नहीं आया, लेकिन इंसानियत तो बरकरार है ना। अदर स्कूलों ने, मेरी बात हुई माइकल एरन स्कूल के प्रिंसिपल थे आशिम सर से, उन्होंने 3 महीने की फीस माफ़ कर दिया है, 500 रुपये दिए। मैं अब्दुल्ला पटेल स्कूल गया था, वहाँ पर उन्होंने स्कूल का जो पैसा था, अमाउंट था, उसमें से बहुत सारे पैसे माइनस कर दिए। मेरी खुद बात हुई उनसे। तो मैं मुमरा इंग्लिश स्कूल में इसलिए आया हूँ कि यहाँ के कुछ पेरेंट्स यहाँ मेरे पास आए हुए थे, मैंने उनको आज का टाइमिंग दिया था, मैं यहाँ आया हूँ, मेरी ये डिमांड है स्कूल 3 महीने की फीस माफ़ करे, और अगर जो भरना चाहे जो कैपेबल लोग हैं मैं वो भर दें, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग उनके पास पैसे नहीं है उनकी फीस माफ़ की जाए और उनको रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि अभी जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फंड का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें रिजल्ट कंपलसरी है, जब रिजल्ट ही नहीं देंगे तो इनको बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो ये इनकी दादागिरी है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रंजनी मैडम स्कूल में आज नहीं थी, इस पूरे मामले में रिजल्ट नहीं देना फीस को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बुधवार को वो अपना पक्ष रखेंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से पेरेंट्स की मांग हो रही है कि फीस माफ़ किया जाए, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।